welcome to my channel, the Kaur blog. My name is Jasleen Kaur and this is the most awaited video of mine because isme mujhe home remedies batani hai to cure acne ya apne acne ko reduce karne ke liye. So first of all I'll show you the pictures jo meri pehle ki thi and jo ab ki hain. Ab ki to khair aap dekh sakte ho yahi par, पर जो पहले की थी मैं वो भी डालूंगी तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि मेरा फेस किस लिमिट से किस लिमिट तक पहुंचा है. एंड सेकंड थिंग, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल. बेल बटन भी प्रेस करो और बेल बटन प्रेस करते ही आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, उसमें जाकर आपको ऑल पर टैप करना है. दैट इज ऑल यू नीड टू डू. नाउ फर्स्ट होम रेमेडी के लिए आपको क्या चाहिए और कैसे यूज करनी है वो होम रेमेडी, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा. मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स अगर बाहर से यूज कर रही हूँ तो मैं उसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं. प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द कौर ब्लॉग. आप वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स कि मैं क्या क्या वीडियोज नई लेकर आने वाली हूँ आपके लिए. सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग और बिफोर यूजिंग एनीथिंग, दैट इज ऑलवेज टू वॉश योर फेस विद अ गुड फेस वॉश. मैं पपाया फेस वॉश यूज करती हूँ फ्रॉम खादी मोरी, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी. पपाया की जो फ्रेग्रेंस है वो इसके अंदर है. व्हेन यू यूज इट तो यू कैन फील इट कि आप पपाया ही लगा रहे हो फेस पर. सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन टैन रिमूवल. जिन लोगों को टैनिंग हो जाती है वो इसमें भी हेल्प करता है. दिस इज ऑल्सो पैराबिन फ्री एंड SLS फ्री, सो दिस इज काइंड ऑफ रियली गुड. दिस इज वट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई यूज इट. लाइक ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो मैं यूज कर रही हूँ. इससे पहले मैंने डिवाइन का नीम फेस वॉश यूज किया था विच वॉज नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री एंड हेंस आई लेफ्ट इट. तो मैं इस पर स्विच हो गई एंड दिस इज रियली गुड. So for the first home remedy, we need one sandalwood powder. This is red sandalwood powder and you just need 2 teaspoons of it. This is just chutki bhar haldi, that is turmeric powder. Then you need 2 to 3 teaspoons of milk, that too which is not boiled. The sandalwood powder that I am using is Nature's Secret sandalwood powder. This is basically red sandalwood powder. You can go for any sandalwood powder that you have. I'll drop the link in the description box. अब आपको इन तीन ingredients को ऐसे मिलाना है ताकि उसकी एक अच्छी paste बन जाए. ये बहुत ही ज्यादा हल्दी है तो मुझे इसमें से सिर्फ pinch of हल्दी ही डालनी है. That would be enough. अगर रेड सैंडलवुड पाउडर आप यूज कर रहे हो तो ऐसी ही पतली सी पेस्ट ही बनाना, और अगर आप नॉर्मल सैंडलवुड पाउडर यूज कर रहे हो तो उसमें आप थिक पेस्ट भी बना सकते हो. ये मिक्स हो चुका है, अब बस इसे फेस पर लगाना है. मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है. ऑल्दो इस फेस पैक को लगाने के बाद आपको नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे इस वीडियो के लिए आपके लिए स्पेशली मुझे बोलना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैंने ये फेस पैक ही क्यों चूज किया अपने एक्ने को दूर करने के लिए. जो सैंडलवुड पाउडर है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि जो आपकी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से आपको एक्ने हो जाता है, पिम्पल्स निकल आते हैं, ब्रेकआउट होता है, वो उस बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है. वो उस बैक्टीरिया को रोकता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है आपके स्किन पर. सेकेंड थिंग, जो मैंने टर्मरिक पाउडर यूज किया उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से जो दाग पड़ जाते हैं आपके चेहरे पर वो भी कम हो जाएंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए मैंने टर्मरिक पाउडर यूज किया. जो मैं लास्ट मिल्क यूज कर रही हूँ दैट इज फॉर हाइड्रेशन ऑफ योर स्किन. आपका जो चेहरा है वो ग्लो करेगा और हाइड्रेट हो जाएगा अंदर तक. यूजुअली जो जिनकी ऑयली स्किन होती है वो लोग कहते हैं कि उनका एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है. दैट इज बिकॉज आपको कंप्लीट मॉइस्चराइजेशन नहीं मिल रही है. सो यू गॉट गो फॉर अ कंप्लीट मॉइस्चराइजेशन, जिसकी वजह से आपको दिन और रात दोनों टाइम आपको अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. अगर आप नहीं लगाते हो तो जो स्किन सेल्स हैं वो अंदर का जो आपका ऑयल प्रेजेंट है स्किन के अंदर वो यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल ऑयली हो जाती है.
सो इट्स बेटर कि आप मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें एंड दैट इज वाई जो हाइड्रेशन है वो बहुत ही एसेंशियल है हमारे स्किन के लिए. सो मैंने मिल्क को भी इस फेस पैक का पार्ट बनाया. मैं रॉ मिल्क यूज करने की बात कर रही हूँ, मैं बॉइल्ड मिल्क यूज करने की बात नहीं कर रही हूँ. ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आप बस एक कॉटन पैड पर रॉ मिल्क डालें, सुबह उठें और उसको लगाएं और चेहरा साफ करें उससे. आप ये चीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक फेस पैक में मिलाकर भी लगा सकते हैं. दोनों ही तरफ से आपको बहुत फायदे हैं. तो अब मैंने ये फेस पैक लगा लिया है. अब मैं 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रखूंगी जब तक ये सूख नहीं जाता. 20 मिनट जरूरी नहीं, हो सकता है कि जल्दी भी सूख जाए, तो मैं उसे तभी वॉश कर लूंगी. तो इसलिए अब मैं वेट करती हूँ कि कब मेरा ये फेस पैक सूखेगा, और मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए तो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ. ये कुछ हद तक सूख चुका है. सो गाइज, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. पहले यूज के बाद तो आपको बस एक स्मूदनिंग इफेक्ट दिखेगा अपने स्किन पर, लेकिन आपको इस फेस पैक को लगातार 15 दिन तक अप्लाई करना है. यानी कि 15 दिन में एक एक दिन का गैप देके अप्लाई करना है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो 15 डेज के बाद ही दिखेंगे. एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे, जिनको आप प्रोमिनेंटली देख पाओगे कि हाँ, पहले मेरा चेहरा ऐसा था और अब ऐसा है. सेकेंड होम रेमेडी के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जो कि मैं इस वाली रेमेडी के साथ साथ भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर इमीडिएट इफेक्ट्स, ताकि आपको थोड़े ज्यादा जल्दी इफेक्ट्स मिले. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना. और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे यूजफुल चीजें बताने वाली हूँ, तो इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए, बिकॉज आपको फिर नोटिफिकेशंस मिलेंगी कि मैं कौन सी वीडियो अपलोड कर रही हूँ. और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो यू कैन वॉच इट. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर.